अभी हम बात कर रहे थे बेटा, शायद रिजल्टेंट वेक्टर चल रहा था। तो रिजल्टेंट वेक्टर में हमारे पास दो चीजें आई थी, एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थी और दूसरी इसकी मिनिमम वैल्यू आई थी। ये तो याद होगा आपको, कंडीशन भी याद हो गया होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी बेटा? कॉस थीटा 0 डिग्री और आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मॉड वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज होगा आर इज इक्वल टू, अब मॉड में ये एंगल के अनुसार प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो आर की मिनिमम वैल्यू कितनी थी बेटा? जब कॉस 180 डिग्री होता है तब कितना होता है इसका बेटा मिनिमम वैल्यू, या कॉस थीटा इज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का मतलब होता है ए डिफरेंशियल ऑफ बी, मतलब आप समझे इसका आर इज इक्वल टू ए डिफरेंशियल ऑफ बी, इसका मतलब समझे? यदि ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या हो जाएगा वैल्यू ए माइनस बी, और बी इज ग्रेटर देन ए वैल्यू क्या हो जाएगी बी माइनस। इतना समझ में आ गया? अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल मैंने लिया वेक्टर ए इज इक्वल टू, तुम भी बताओ कितना लो, 10, 5, 20, 8 कितना लो, 5। मॉड निकाल लिया इसका, वेक्टर बी इज इक्वल टू सेम 5 ही, कुछ चेंज करो कम ज्यादा जो मन करे वो, 9, 10। अब आर मैक्स की वैल्यू कितना होगा बेटा? फिफ्टीन। आर मिनिमम की वैल्यू कितना होगी बेटा? 15, R minimum 5। इसका मतलब है बेटा जो R की वैल्यू होगी, R की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, 5 से 15 तक, 6, 7, 7.48 up to 15। क्लियर हो गया? पूछेगा कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, क्या रिजल्टेंट की वैल्यू 9 हो सकती है? हो सकती है। 5 से लेकर के 15 तक की सारी वैल्यू पॉसिबल है। क्या समझे? आर मिनिमम से आर मैक्सिमम के बीच, क्योंकि बेटा आर मिनिमम आर मैक्सिमम जो आप निकाले हो, आर मैक्सिमम कब निकाले हो इस कंडीशन में, मैक्स दोनों के बीच एंगल 0, और आर मिनिमम आप कब निकाले हो इस कंडीशन में निकाले हो। अब जैसे जैसे इसका एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू भी तो चेंज होती जाएगी, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी बेटा, रेंज क्या होगा, इस आर की जो रेंज होगी रेंज वो कहां तक होगी, 5 to 15 एनी वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, रिजल्ट की वैल्यू की रेंज कहां से कहां तक होगी, 5 to 15 एनी वैल्यू। बोलो इतना समझ में आ गया? फटाफट बनाइए। क्या बेटा? थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा और क्या, क्योंकि ए की वैल्यू बी की वैल्यू जो मॉड वैल्यू है वो तो चेंज नहीं हो सकती है, चेंज क्या हो सकता है केवल एंगल। ठीक,
ए डिफरेंशियल मिनिमम का मतलब ए डिफरेंशियल बी का मतलब क्या होता है, यदि ए बड़ा है तो ए माइनस बी, यदि बी बड़ा है तो बी माइनस ए। अब इसमें देखो बी बड़ा था तो आर मिनिमम हमने क्या लिया, बी माइनस ए। क्लियर है? क्योंकि बेटा आप गलती से हमेशा ए माइनस बी याद किए हो और एग्जाम में आ गया वहां पे बी की वैल्यू ए से बड़ी दे दिया, आपने रिजल्टेंट निगेटिव में निकाल दिया जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए हो गया बेटा, छापो जल्दी। अब समझ में आ रहा है बेटे, अब समझ में आ रहा है? ठीक, ठीक। नोट पॉइंट लिखो बेटा। अच्छा रुको, क्वेश्चन करा दें इस पे, एक दो एक क्वेश्चन तो करा ही देते हैं। चलो अच्छा, क्वेश्चन है बेटा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 7, वेक्टर बी इज इक्वल टू 9, विच रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल। फर्स्ट 15, सेकेंड 12, थर्ड 1, फोर्थ 6। क्वेश्चन लिखो फटाफट, तुरंत बताओ। थर्ड सिंपल था बिल्कुल ना बेटा, आपने आर मिनिमम निकाला, आर मिनिमम की वैल्यू 9 - 7 इज इक्वल टू 2, आर मैक्सिमम की वैल्यू 9 + 7 इज इक्वल टू 16, मतलब 2 से 16 तक कोई वैल्यू हो सकती है, 2 के नीचे नहीं हो सकती और 16 से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया? कौन सा आंसर लगेगा? सिंपल था बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन और कराने की जरूरत है मुझे नहीं लगता है। ठीक, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बताई दे। ठीक है, लिखो नोट पॉइंट में, लिखो पहला पॉइंट, रब कर दूं ना इसको।
इफ, पहला पॉइंट है नोट का बेटा, इफ मोर देन टू वेक्टर, यदि दो से ज्यादा वेक्टर हैं एंड देयर रिजल्टेंट इज जीरो, कह रहे हैं दो से ज्यादा वेक्टर हो और उनका रिजल्टेंट जीरो हो तो क्या कंडीशंस होंगी। कंडीशन ये होगी बेटा, वन, लार्जेस्ट वेक्टर इज लेस आर इक्वल टू ऑल अदर वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। मतलब ये क्वेश्चन में ये समझ ही नहीं आएगा थ्योरी से, ठीक क्वेश्चन से तुरंत आ जाएगा कब बेटा रिजल्टेंट जीरो होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, जो सबसे बड़ा वाला वेक्टर है वो बाकी के वेक्टर के सम से बराबर हो या फिर छोटा, तभी क्या होगा रिजल्टेंट जीरो होगा, नहीं तो रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल नहीं है। चलो क्वेश्चन कराऊंगा, एक एग्जांपल, थ्री वेक्टर, देयर मैग्नीट्यूड इज 50, 20, 20, देयर रिजल्टेंट जीरो और नॉट, इनका रिजल्टेंट जीरो होगा कि नहीं होगा, देख निकालें। अच्छा वन, अच्छा वन लिखा है बेटा, ये इतना बड़ा ही कर दिया, वन सबसे बड़ा वाला वेक्टर कौन है बेटा, 50, छोटा वाले कौन से हैं, 20 + 20 इज इक्वल टू 40। अब 50 इज ग्रेटर देन 40, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो क्या इसका रिजल्टेंट कभी जीरो हो सकता है, नहीं। अब देख लो, 50 इधर रख दिया, 20 इधर रख दिया, बहुत करोगे तो 20 ऐसे ही रखोगे ना, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो देयर रिजल्टेंट नेवर जीरो, इसका क्या होगा, नेवर जीरो, ठीक। क्वेश्चन और करें इस पे, चलो फोर वेक्टर, देयर मैग्नीट्यूड एट्टी, ट्वेंटी, फोर्टी, थर्टी, आर देयर रिजल्टेंट इज जीरो आर नॉट, इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कि नहीं, चलो देखते हैं। 80 वाले को पहले निकाल लिया, डिब्बे में ले लिया, इसके साथ कुछ नहीं करना है, करना किसके साथ है, बाकी छोटे वालों के साथ, 20 + 40 + 30 इज इक्वल टू 4 2 3 90, हाँ बेटा 80 से ग्रेटर है 90, तो क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल तो हो रही है, एक लार्जेस्ट वेक्टर से बाकी सभी का मैग्नीट्यूड मिला के ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो क्या जीरो पॉसिबल है, यस यस यस, जीरो होने के लिए कंडीशन ये है, देयर रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो या मे बी जीरो, मे बी मे बी मे बी जीरो बेटा, मस्ट भी नहीं, मस्ट में मस्ट का मतलब निश्चित ही जीरो, रिजल्टेंट इज मे बी जीरो, मस्ट नहीं बेटा, हमेशा जीरो नहीं होगा,
हाँ एक कोई ऐसा एंगल होगा जिस पे हम इन सबको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट मे बी जीरो, बेटा क्वेश्चन में रिजल्टेंट जीरो लिखे या मे बी जीरो लगे तो सही है, लेकिन कभी यदि रिजल्टेंट मस्ट भी जीरो लिखेगा, ठीक है, यदि ये लिख दे रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो गलत है, क्योंकि मस्ट बी जीरो मतलब हमेशा जीरो, कैसे जीरो होगा। मान लो मैं 80 इधर रख दिया और इधर ही 20 रख दिया, ठीक है, इधर कितना हो गया बेटा फिर 40 और 30, क्या जीरो होंगे, नहीं होंगे। अब जीरो कैसे कंडीशन में होगा बेटा, 80 इधर है, ठीक है, 40 और 30 ऐसे रख दिया और 20 को कुछ एंगल पे रख दिया तो 20 cos थीटा इधर जाएगा। 20 को कितने एंगल पे रख दिया हमने, मान लीजिए 20 को हमने 30 डिग्री पे रख दिया तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 20 cos थीटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जीरो हो गया। ठीक, मस्ट बी जीरो बिल्कुल गलत है, मस्ट बी जीरो कभी नहीं होगा बेटा, मैक्सिमम कंडीशन जहां मस्ट आ जाएगा वहां पे फिर दिक्कत होगी। पहला नोट पॉइंट समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप, डालो नोट पॉइंट सेकंड। बहुत आसान है सेकंड, ये समझ में आ जाएगा बेटा ना, बहुत ज्यादा एकदम आसान, घटिया बात बता रहा हूं, कैसे लिखो, अच्छा लिखो मत, समझाई दूं पहले, ये नोट हो गया, सेकंड नोट पॉइंट है बेटा, If n equal vector, कितने कितने वेक्टर हैं बेटा, n equal vector present, their angle between them is 2 pi by n, थीटा कितना है 2 पाई बाई एन, और बेटा डिग्री में लेंगे तो कितना होगा 360 बाई एन, कितने लोग नहीं जानते हैं कि 2 पाई की वैल्यू 360 होती है, ये बेटा पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं एंगल में, पूरा याद है ना, ठीक, मिलेगा वीडियो या फिर अभी मैं कराऊंगा जुलाई के बाद, मैं आधे आधे घंटे वीडियो तो रहेगा, आधे आधे घंटे आप नोट कर लेंगे, मैं आपको स्टार क्लास से ये पूरा कराऊंगा, ठीक है, लेकिन केवल 10 जुलाई के पीछे तक का, यदि लोग जुलाई अगस्त सितंबर में सो सो करके आते रहेंगे बेटा तो फिर वीडियो से पढ़ेंगे, जहां से मैं पढ़ाऊंगा उसको फिर रिवाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है। एंगल कितना हो 360 बाई एन हो, और ये कैसे हो, एकदम मस्ट कंडीशन है, इक्वल वेक्टर हो, ये इक्वल हो, ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, बिल्कुल बराबर हो एक दूसरे के, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, देयर रिजल्टेंट इज जीरो, ठीक है। एग्जांपल, इफ टू वेक्टर, यदि दो वेक्टर हैं, याद रखना ये किसके लिए है, इक्वल, और जो पहली पहला जो नोट पॉइंट में उसमें क्या थे, अनइक्वल वेक्टर थे, इसमें इक्वल वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, दो इक्वल वेक्टर हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हो, थीटा इज इक्वल टू 360 बाई टू, 180 डिग्री हो, रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। देखो एक वेक्टर ए है,
और सेम बेटा वेक्टर भी है, ए का मॉड बी के बराबर हो तो क्या इसका रिजल्टेंट आर जीरो नहीं हो जाएगा? देख लो, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंगल इनके बीच में बोला करो, हो जाएगा ना? अपोजिट हो गए बेटा, अपोजिट हो गया, कैंसिल आउट कर दिया, रिजल्टेंट जीरो। मान लो तीन वेक्टर हैं, थ्री इक्वल वेक्टर हैं, कितने एंगल पे रखूं? ए बी सी मान लो ऐसे हैं और कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट क्या है, आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये एंगल इनसे पूछा है, एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा इज इक्वल टू 360 भाई, कितना होगा? लेकिन ये थ्री इक्वल वेक्टर होने चाहिए, इनके बीच एंगल कितना हो? अब बेटा कभी कभी जानते हो कलाकारी क्या करता है, वो ऐसे बना देता है आपको। ए बी और सी कहेगा तीनों का एंगल जो है कितने कितने डिग्री है, 60 डिग्री और 60 डिग्री। कहेगा इनके बीच का एंगल कितना है। कभी बेटा कुछ मत करो, मैंने हमेशा कहा है एक ओरिजिन पॉइंट ले लो। कौन सा ओरिजिन पॉइंट लूं? ये लूं, जो कहो वो ओरिजिन ले लूं। कौन सा ओरिजिन पॉइंट लूं? क्योंकि अभी इनके बीच का एंगल सही नहीं दिया है। देख लो, एंगल के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर कंबाइंड टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। और कोई भी वेक्टर कैसे कंबाइंड नहीं है, कोई भी वेक्टर यहां पर टेल टू टेल या हेड टू हेड कंबाइंड नहीं है। तुम बताओ किस पॉइंट पे ओरिजिन लूं? मान लो इसको मैं स्मॉल ए कह दूं, इसको स्मॉल बी कह दूं, स्मॉल सी कह दूं, जहां कह दो वहां ओरिजिन लेके मैं बना दूं। ए पे ओरिजिन ले लूं, चलो ए पे ओरिजिन लिया तो ए पे क्या ये वेक्टर ऐसे है? ऐसे कौन सा वेक्टर है बेटा? ए। इस सी वेक्टर को मैं इधर बढ़ा सकता हूं, वेक्टर सी। अब ये एंगल जो हमारा था वो कितना हुआ, दिया है 60 डिग्री, तो ये एंगल बेटा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। चलो बी, बी को लेके चला हूं इस पे, बी बी बेटा कहां लेके आ गया मैं, इस पे लेके आ गया। देख लो बी किस पे लेके आ गया मैं, ठीक 120 ये है बी को लेके आ गया इस पे। और आपको पता है बी, ठीक ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है, ये मैं बना सकता हूं। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60। ये एंगल कितना होगा, 60। फिर ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60 120। इसका मतलब ए बी सी सारे कितने एंगल पे हैं, 120। कहेगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो, फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड सी। चाहे इससे लगाओ, और उससे भी आसान क्या है, कितने कितने वेक्टर हैं इक्वल, तीन है, तीन इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होता है, जब उनके बीच का एंगल 360 बाई 3 120। इतना समझ में आ गया, जल्दी छापो।
बायो क्लासेस हुई थी, ठीक था। एनसीईआरटी लाए थे आप लोग? एनसीईआरटी के लिए मैम बोली हैं लेके आना। लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड में क्या पढ़े थे? दो फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? और डिफाइनिंग फीचर, देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये प्रेजेंट है तो पक्का है कि वो एनिमल लिविंग होगा या वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर एब्सेंट है तो वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग। मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तब तो वो पक्का लिविंग है। जैसे रिप्रोडक्शन, यदि रिप्रोडक्शन करता है तब क्या है? वो लिविंग है। लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो नॉन लिविंग है। वर्कर भी, म्यूल, ह्यूमन कपल में बेटा जो स्टराइल कपल होते हैं तो, और इंटरसेक्स वाले आते नहीं है, बच्चे बच्चे पैदा होते ताली बजाने के लिए, ठीक है, क्या वो नॉन लिविंग है? लेकिन वो फर्टाइल तो नहीं है। अभी आप पढ़ोगे टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जिन बच्चों को होता है उनमें बेटा फर्टिलिटी नहीं होती, तो क्या नॉन लिविंग है? नहीं। और डिफाइनिंग, और दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? जो 100% डिफाइन करे, जैसे मेटाबॉलिज्म, सेलुलरिटी, सेल और कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस में सेल्फ कॉन्सियसनेस केवल ह्यूमन के लिए होता है। बोले सर आपको कैसे पता? नीट में बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ मैम, भी सही पढ़ाती हूँ। अच्छा है, ठीक है। आंख बंद करके बेटा, अब इतनी बार पढ़ा चुका हूँ ना बायोलॉजी, बिल्कुल याद है, लाइन बाई लाइन पेज बता दूंगा। अच्छा, इस वाले में पुराने एनसीईआरटी का। इसके बाद पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी, उसमें लिखा हुआ है 1.72 1.8 मिलियन को डाइवर्सिफाई करके डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन क्या उतने ही एनिमल है? नहीं, आज भी नए डिस्कवर किए जाते हैं। कैसे नाम करते हैं? पहले क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं। फिर बताया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया, किसने दिया था? कैरल ऑलवास लिनियस ने दिया था। उसमें पहला जो होता है वो जेनरिक नेम होता है, दूसरा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है जिसको हम स्पीसीज भी कहते हैं। इस नाम को देने के लिए यूज किया था किसका, किसके थ्रू दिया जाता है? ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें बताया कि पहला जेनरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। इनको जो लिखते हैं वो इटैलिक वर्ड में लिखते हैं, इसका मतलब लैटिनाइज्ड होता है। लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है, कहीं बोली नहीं जाती है, इसके सिनोनिम्स नहीं होते हैं, इस कारण ऐसा होता है। फर्स्ट नेम जो है कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, जैसे मेंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ मेंजीफेरा क्या बताता है आपको? जीनस। इंडिका क्या बताता है? स्पीसीज। तो एम को कैपिटल से लिखते हैं, आई को स्मॉल से लिखते हैं। लिन क्या बताता है? कि लिनियस के द्वारा इसको क्लासिफाइड किया गया था या फिर बताया गया था। चलो छोड़ो, रब कर दूं। पढ़ लो आप लोग बढ़िया से, और टाइम रहेगा और सब कुछ रहेगा तो मैम के साथ मैं भी रिवाइज कराऊंगा आपको फटाफट, ठीक है। जितनी बार बायो में बेटे जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा, क्योंकि बायो थोड़ा भूलती है, ठीक है बेटा। अभी अच्छा कुछ क्वेश्चन तो करोगे। 4 इक्वल वेक्टर हैं, एंगल बताओ, रिजल्टेंट 0, देन थीटा की बात बताओ आप। मान लो 6 इक्वल वेक्टर है, रिजल्टेंट 0 है, थीटा की वैल्यू बताओ। चलो 12 इक्वल वेक्टर अब नहीं कराएंगे, बस होने को कितना भी वेक्टर हो सकता है ना बेटा, ठीक। रिजल्टेंट बेटा इक्वल है, EQUAL इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट
तो थीटा की वैल्यू फटाफट बताओ, आ गया होगा, जल्दी करो। बेटा वेक्टर में बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं, आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे ना तो आपको फिर लगेगा कि इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं। इतना ज्यादा इसलिए पढ़ा रहा हूं कि वेक्टर का यूज पूरी फिजिक्स में है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से बहुत कायदे से पढ़ाऊंगा। वेक्टर और 1D, वेक्टर 1D रिलेटिव मोशन, ये आराम से पढ़ाऊंगा। और जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम है छोटे में थोड़ा बताऊंगा, आपका अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम है ये हल्का, इसको आराम से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये मैं बहुत कायदे से बताऊंगा, ठीक। चलो आ गया सारी वैल्यू, चलो पहली की वैल्यू बताओ कितना आया, एंगल कितना आया, 90। बना के देख लो, जीरो हो जाएगा, एक दूसरे को सब कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। थीटा इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेडियन में पूछेगा तो 2π/4 इज इक्वल टू π/2 90 डिग्री होता है, पता है कि नहीं। चलो 6 है तो कितना हो जाएगा बेटा, 360/6 60 डिग्री। यदि रेडियन में निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 2π/6 π/3। ये सब एक आध तो मैंने रेडियन के लिए टर्म में इसलिए बता दिया कि भाई तो भाई आप डिग्री डिग्री खेल रहे हो और एग्जाम में उसने रेडियन में दे दिया, फिर वहां अपने टीचर को अपने गाली देना शुरू कर दिया कि सब कुछ बताया, ठीक है ये नहीं बताया। कर लोगे आप? यदि मैं 12 वेक्टर की बात करूं, 360 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री, या पाई 2π/12 π/6। एक जनरल आप याद रखिए, यदि आपने अभी रेडियन नहीं पढ़ाया तो 2π की वैल्यू 360 डिग्री होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, π/2 90 डिग्री। अब कोई भी वैल्यू आप निकाल लोगे, यदि पाई 180 है तो π/3 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री निकल जाएगा। नोट का कौन सा पॉइंट था ये, सेकंड थर्ड पूरा, चलो थर्ड करा देते हैं आज, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर। छापो जल्दी, हो गया बेटा? अच्छा ऐसे ही छाप रहे हो कि समझ में आ रहा है तब छाप रहे हो? एकदम 100% आ रहा है ना? तीसरा, ये दो वेक्टर है बेटा, मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक। रिजल्टेंट वेक्टर यदि हमें निकालना है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बेटा, देखो वेक्टर ए इसको आगे शिफ्ट कर दिया, वेक्टर बी ये वेक्टर आर होगा, ठीक यही होगा, यही तो है ये वेक्टर ए वेक्टर बी। हां ध्यान दीजिए, अब मैंने इनको शिफ्ट करे बिना ही वेक्टर आर की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि वेक्टर आर तो आप निकाल चुके हो ना, कहां है वेक्टर आर, ये है, क्या आर वेक्टर यही है क्या, देखो बेटा यही है क्या आर वेक्टर। अब ये एंगल मैंने क्या ले लिया, अल्फा, दूसरा एंगल बीटा, मैं कह दूं थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब एक बात जरूरी है कि ए भी बराबर हो,
ये जरूरी है कि ए बी बराबर हो, ये जरूरी तो नहीं। ठीक, ह्यूमन बीइंग जो काम आदमी करता है वही काम वेक्टर करता है। आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, एक के पास मर्सिडीज है, एक के पास रिक्शा है। आप किसके साथ ज्यादा समय बिताओगे, मर्सिडीज वाले के कि रिक्शा वाले के? सामान्य बुद्धि की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग मत लगाना। मूर्खों वाला काम तो नहीं करोगे, ह्यूमन बीइंग हो, किसके साथ? अच्छा गर्मी है चिलचिलाती हुई, उसके साथ रिक्शा पर बैठ के जाओगे कि अंदर मर्सिडीज में बैठ के जाओगे? इसका मतलब जिस वेक्टर की वैल्यू है रिजल्टेंट उसके पास रहेगा। दिखाऊं? दिखाऊं? देखना देखना बेटा वेक्टर, अभी कुछ मत छापना, कुछ नहीं छापना है। वेक्टर ए इतना बड़ा, मैंने कहा था वेक्टर की लेंथ क्या बताती है, वेक्टर की मॉड वैल्यू। वेक्टर भी इतना बड़ा, चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये वेक्टर भी है, यही तो वेक्टर भी है। पैरेलल शिफ्ट करा दिया, बोले सर थोड़ा और अच्छे से कराइए। लो वेक्टर भी ये है, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या बेटा वेक्टर भी यही होगा, पैरेलल शिफ्ट करा दिया रिजल्टेंट के लिए। अच्छा ऐसा तो नहीं सोचते हो ना कि रिजल्टेंट जो है वो हमेशा ऐसे आता है, ये तो मैंने वेक्टर से बता दिया कि ऐसे रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एक्चुअल ये होता है। क्लियर है ना? अब रिजल्टेंट देखो कैसे आएगा, इसका रिजल्टेंट निकालो। ठीक ठीक, पूरा एंगल, पूरा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, पूरा एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा। बेटा दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं हो गया? ये एंगल बीटा। अब मैं कह दूं थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बोलो इतनी बात क्लियर हुई? जिसकी ये क्या है बेटा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। जिस वेक्टर की वैल्यू ज्यादा, रिजल्टेंट उसके पास, तो उसका एंगल छोटा। वेक्टर ए बड़ा है तो वेक्टर ए के साथ आर नजदीक है तो एंगल ए और आर में छोटा है कंपेयर टू आर और बी के। ठीक है, तो मैं कह दूं पहली बात, इफ ए इज एंगल विथ रिजल्टेंट टू ए इज अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर इतनी बात? क्या सारे स्टेटमेंट अभी तक समझ में आए? मैंने कहा एंगल विथ रिजल्टेंट टू ए इज अल्फा, रिजल्टेंट के साथ वेक्टर ए जो है अल्फा एंगल बना रहा है, या वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट अल्फा एंगल पे है, इसी को कह दे एंगल ऑफ वेक्टर ए विथ रिजल्टेंट इज अल्फा। वेक्टर ए रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। इफ ए इज
ग्रेटर देन बी। अच्छा अभी नहीं, अगला पॉइंट ठीक। ये इतना पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? यदि मैं कह दूं एंगल ऑफ बी विथ रिजल्टेंट इज बीटा, बेटा वो एक्स वाई एंगल भी दे सकता है। अब ये वैल्यू तो वो कुछ भी दे सकता है ना, वो पी क्यू दे सकता है एंगल, कुछ भी दे सकता है। मैंने अल्फा और बीटा एंगल लिया है, टोटल एंगल ए के बीच में, ए और बी के बीच में कितना है, थीटा है। एंगल ऑफ बी विथ रिजल्टेंट इज बीटा। इफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, यदि ए बी से बड़ा है तो अल्फा इज लेस देन बीटा, क्योंकि बेटा फिर रिजल्टेंट ए के पास रहना चाहेगा, क्योंकि ए बहुत अमीर आदमी है, कभी कभी बी के पास जाएगा। ये एंगल क्या है बेटा, बीच की दूरी ही तो है। याद करिए मैंने कहा था कितना डायरेक्शन उसने मूव किया, यही तो ये एंगल बताती है। तो नजदीक रहेगा ना, नजदीक रहेगा तो एंगल कम, नजदीक रहेगा तो एंगल कम, दूर रहेगा तो एंगल ज्यादा। यदि बेटा ए की वैल्यू बी से बड़ा है तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको ठीक। इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन बीटा इज लेस देन अल्फा। सही बताओ, समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर हो गया, थीटा अल्फा बीटा रिजल्टेंट सारी वैल्यू बिल्कुल क्लियर है। पूरा बनाना, कहीं कुछ मत छोड़ना। ये कैसे मैंने निकाला है, इसमें भी उसमें भी, ये इसका एग्जांपल दिया है, यहां से मैंने नोट थ्री का पॉइंट स्टार्ट किया है। बोलो कहीं कोई डाउट? एकदम सिंपल था ना, बस थोड़ी सी समझने की बातें थी। प्रैक्टिकल लाइफ सोचो, फिजिक्स में बस आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो, अपने आप क्वेश्चन निकलेंगे। Yeah.
कहीं कोई डाउट बेटा? तीनों नोट पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं। तो पहला नोट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि यदि अनइक्वल वेक्टर्स दो से ज्यादा प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो से ज्यादा क्या है, अनइक्वल वेक्टर प्रेजेंट हैं, तो जो सबसे बड़ा वेक्टर होगा बाकी सम से, बाकी वेक्टर के सम से उसकी वैल्यू या तो बराबर हो या तो छोटी हो, तो रिजल्टेंट में भी जीरो। दूसरा मैंने बताया कि एन इक्वल वेक्टर हो और 360 बाई एन एंगल पे रखे गए हों तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तीसरा नोट पॉइंट मैंने बताया बेटा कि ए और बी वेक्टर हों, ठीक है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट के बीच का एंगल ए के बीच में अल्फा है और रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल बीटा है। यदि बेटा ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो रिजल्टेंट ए के पास होगा, यदि रिजल्टेंट ए के पास होगा तो अल्फा की वैल्यू छोटी होगी कंपेयर टू बीटा। यदि बी जो है वो ए से बड़ा है तो रिजल्टेंट किसके पास होगा बेटा, बी के पास होगा, बी के पास बड़ा होगा तो बीटा छोटा हो जाएगा, अल्फा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? हेडिंग डाल दो बेटा। अच्छा हेडिंग मत डालो, एक दो पॉइंट और हैं, ये करा करके फिर आगे स्टार्ट करो, ठीक है? ओके, थैंक यू।